हेलो, वेलकम है थारा मेरे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट करी है शाम के टाइम। टाइम हो रहा है 6 बजे का और बस ये दूध निकाल के लेके आए हैं गाय का। और सब्जी ख़त्म हो रही थी तो वा ली है। और आज फर्स्ट टाइम मैंने सब्जी ली है, क्योंकि मैंने सब्जी लेनी ना आती, ना कभी मैंने ली, ना मेरी सास ने ली, आज तक सब्जी ना ली है। हमेशा पापा लेके आऊँ या मेरे हस्बैंड लेके आऊँ, तो आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया है सब्जी लेने का। और मेरा दिल साफ़ है तो मैंने पहले ही बोल दी थी भैया था कि मैंने सब्जी लेने का ना फेरा, तो आप अपने हिसाब से डाल दो सारी। तो नसी आ गई मेरी बात सुन के। मैंने डर था कि मेरा को नहीं, मैं कुछ गलत बोल दूँगी तो वैसे भी बेइज्जती होनी है, तो मैं ये सोची कि ठीक है, इसने पहले ही बोल दी कि भाई मैंने ना फेरा, अपने आप डाल के दे दिए जो भी सब्जी, मैं बता दूँगी ये चाहिए ये, तो उसने डाल दी। और आज सब्जी ली है पहली बार, तो वो रखे या बाल्टी मैंने दूध डाल लिया है और लगा रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो मैं आग जला ली हूँ और दूध गर्म कर ली हूँ। दूध गर्म होगा जब तक मैं सब्जी काट लूँगी और फिर दूँगी बर्तन। देखो थोड़े से बर्तन हैं, वो अंदर पड़े हैं उसमें, तो मैं लग जाऊँ काम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और कल आओगी रावी मेरी बेटी और माँ आ जाएगी, तो बहुत टाइम बाद घर थोड़ा सा भरेगा, कितने दिन हो गए बोर होते, तो बस वेट है मैंने कि जल्दी से आ जाओ करने और चहल पहल हो जाओ। तो चलो फिर काम करूँ मैं। कैमरे तो बहुत दूर है तो शायद मेरी आवाज ना भी जावे, पर बोलूंगी कि कम से मेरी वीडियो में बोर हो जाओगे। बोलिंग बारिश आने की वजह से हर कोई चीज सिली हो रही है और जाना मुश्किल हो जाए। तो देखो बाप जरा कि ना कोशिश करूंगी। मैं भी कब दिया करूँ, मैं दूध गर्म कर आज चूल्हा जला लूंगी, क्योंकि कल माँ आ जाओगी तो बकरी तोड़ जाऊंगी अपना आप। मेरा हाथ में चोट आ गई थी, मैं जल गई थी, बिल्कुल थम दर्द लगाया, तो मैं तोड़ ना सकती, काटा लगन का डर लगा, तो कल आ जाएगी टेंशन खत्म। कल गड़बड़ जाएगा मेरा, बहुत बोरिंग दिन निकलेंगे, बहुत बोरिंग, पूरा पूरा दिन इतना बड़ा होना है मेरे गर्मियाँ का, टाइम पास भी ना होता। आग तो जलेगी, चूल्हा में ओका पीने की वजह से देखो इतनी राख कर रखी है।
जबकि मैंने आज एक बार चूल्हा जलाया था सिर्फ पानी गर्म करने खातर, या बीच के मैं खड़ी कर रखी है, ना आगे की छोड़ी ना पीछे की छोड़ी। तो मैं इसमें कचरा निकाल दूंगी। यू मैंने चार रख रखा है थोड़ी देर में, वो आग तो बहुत तेज तेज जला है, जल्दी दूध गर्म हो जाएगा। जब तक मैं सब्जी काट ले हूँ, काट के तो मैंने रख दी थी, चक्कर ले लूँ। ओहो बाद में याद आओ सब कुछ। हमें दो तीन ही बंदे हैं तो इतनी सब्जी भी बहुत ज़्यादा हो जावा है, पर ये जो सब्जी बनाएगी वह सुबह भी खाई जाओगी। मैं इसने धो लूँ हूँ काटन तो पहला। सब्जी भी धो कर काट ले तो सही रहा है, वरना थोड़ी सी भी अगर मिट्टी आ जावा है तो बहुत ख़राब हो जाए सब्जी, और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाए। मेरे हाथ देखो, एक एक नस दिखा है, पर ये नस नजर आवे ना जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ना, तो ये नस एक भी ना मिलती उन्हें। जो नस चाहिए हो ना वह नस मेरी ना मिलती, जो बेफालतू की नस सारी निकल रही है मेरी। इस हाथ की नस तो मेरी वैसे ही ना मिलती, डॉक्टर ने काफ़ी बार मैंने नोटिस कराया है कि मेरी जब भी मैं कोई इंजेक्शन लगवाना है या कोई ग्लूकोज चढ़वानी हुई है तो इस हाथ की नस ना मिलती, उसके बाद में दूसरा हाथ तोड़ फोड़ कर गिरते हैं मेरा। या जो लस्सी है बची खुची, इसमें थोड़ा सा मैं जमन निकाल लूँगी क्योंकि रात में कहीं जमानी हो है बहुत। बाकी मैं इसने बर्बाद ना करूँ, मेरे उरे हर चीज़ ने काम में लेवा है, इस लस्सी ने भी काम में लेवांगे। जब भी कभी लस्सी बच जाओ या तो गाय ने पिला देवे हैं या फिर हम चाट में डाल देवा, तो मैं इसमें चाट में डाल देंगे। चाट रंद रहा वैसे तो, पर ठीक है कोई बात नहीं, रंद रहेगा तो। ओहो पागल होगी मैं भी, ब्लॉक के चक्कर में पागल होगी, उल्टा ढक्कन ढक दिया। तो बस ये काम तो हो गया। मैं बीच में सब्जी काटन गई थी और इस काम में लग गई, रसोई का गेट बंद कर दे हूँ। मेरे घर में बिल्ली बेरा को नहीं दिखती भी को नहीं कित है, और कित नज़र गड़ाए रखा है न्यू नहीं समझ में आई है। जिस तरह रसोई खुली छोड़ा तुरंत घुस जावा है रसोई में, न्यू को बेरा की कितना है। कल तो मैंने पकड़ ली थी, कल तो उन्हें छत पर उस एरिया तो जाके थी, पर काफ़ी बार तो उन्हें न्यू बिना मेरा भट्टा कित है दिखा भी ना, और जिस तरह ही निकली मैं रसोई तो वह घुस जावा। चलो फाइनली सब्जी काटूंगी, पंखा और चला लो। तो थम बैठ जाओ, मैं सब्जी काट लूँ। सब तो बड़ा पंगा मेरा की है मेरे खातर, एक तो सब्जी बनाना और एक रोटी बनाना, मैंने ये दो काम बहुत आलस आवे। ये तो चलो सब्जी बनाने में इतना ना आता क्योंकि आदत होगी, कई बार तो दो दो टाइम भी बनानी पड़ जा है, और ये फाल फिलहाल तो हम बंदे इतने हाँ ना तो थोड़ी बनानी पड़े हैं, तो इतनी परेशानी ना होती। पर भाई शादी से पहले मैंने कभी रोटी ना बनाई थी, और रोटी मेरे तक गोल भी ना बना करती, तो मैं रोटी बनाती टेढ़ी मेढ़ी बन जाती वह, तो मैं एक आइडिया पा रहा था वो यूज़ कर लिया करती, जो कचौड़ा हुआ है देखा भी होगा तुमने, इस तरह हुआ है पेना पेना सा हुआ है, वो छोटा हुआ है, वो लेकर रोटी को ऊपर रख के और दबा के उसने काट लिया करती गोलाई में। और ये आइडिया शायद और भी किसी ने ट्राई कर लिया होगा मेरी दा, अगर करा है तो मैसेज करके जरूर बताइए, कमेंट में लिख दियो कि मैंने करा है। यो भी एक एक्सपीरियंस हुआ है बचपन का जवानी का, जब भी और याद भी आऊँ ये चीज़ कि ये करा करते रही। मैं ही सोचूँ कि मैंने कदे खाना ना बनाया था, और मैं इतना अच्छा खाना बना लूँगी, अपनी तारीफ खुद करूँगी पर मैं अच्छा खाना बना लूँगी, खास करके सब्जी बहुत अच्छी बनाए मेरी। सब शादी के बाद सीखा है, घर के काम सफाई के काम तो मैंने शुरू से आवे थे,
पर सब्जी वगैरह ये बनाना आती है, मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर देख कर सब्जी बनानी सीखी है, यूट्यूब पर रोटी बनानी सीखी है, जो भी हैं सारे काम। तो ये फिलहाल मैं सब कुछ काम कर ले हूँ, बस मैंने लावणी ना करी है, एक बार ट्राई करी थी बस, और एक मैंने दूध निकालने की कोशिश करी थी पर मैं तो निकलता को नहीं, मेरे हाथ में दर्द होने लग जाए अंगूठे में, तो वो भी कोशिश करूँगी। अब माँ का वह थी कि जब यह गाय ब्याह होगी और मतलब कि बच्चा होगा या जो भी कुछ होगा समझ जाओ हम जो भी होगा, तो उस टाइम पे दूध निकालना सिखाऊंगी तेने, तो जब देखूंगी जब के मेरा मन आ जावे, और भाई ना आया तो पूरी लाइफ खतर, मैं कभी दूध ना निकाल पाऊंगी। ठीक है मम्मी पापा हैं कर ले मैं ही, तो उनका बाद में कौन है करने वाला, मेरे तो बस करना है, मेरा सिरा तो कटा हुआ है वीडियो में। तो एक और बात, मेरे व्लॉग बहुत कम आवेंगे आगे आगे, ये कुछ तो गर्मी आ गई, तो गर्मी में काम तो इतना परेशान हो जाओ बंदा, व्लॉगिंग कित कर पावे है। हाँ कदे कभार आओगा, और जब भी कदे आओगा तो सपोर्ट कर दियो और पूरा व्लॉग देखियो एंड तक, स्किप मत करियो वीडियो ने। अगर हम सपोर्ट करते रहोगे तो मेरा थोड़ा मन भी कर जाओगा बनाने का, तो अगर मैंने देखना चाहो तो मैंने अच्छे व्यू करवा दो मेरे, शेयर कर दिया करो वीडियो ना अपने दोस्त लोगों के पास, सब्सक्राइब करवा दो चैनल ने, और खुद भी कर लियो ना कराया तो, अगर चैनल पर नए आए हो तो इसी वीडियो और आती रहेंगी मेरी। मैंने ना बेरा मैं पकाऊँ कि पागल बात करूँगी कि है, पर जिस भी हूँ तेरे सामने हूँ, कुछ भी फेक ना है मेरा, जिस तरह जो मेरी रूटीन है वह मैं सब शेयर करूँगी हर साथ। तो ठीक है, मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक बाय, टेक केयर।